मैं अपने शौहर और भाई के साथ थी, और आप मुझे बताएंगी बदचलन क्या होता है? भूल गई हैं क्या? जैसी आप खुद हैं आप वैसा ही सबको समझती हैं। असिम लगता है वो आ गई है, मैं दरवाजा खोल कर आता। आराम से बैठे रहो, दरवाजा नहीं खुलेगा। क्या हो गया आसिम भाई? नौमी चलो जाके दरवाजा खोल के आओ। मना किया है ना, आराम से बैठ जाओ। इस घर के दरवाजे नहीं खुलेंगे। जहां पे आधी रात गुजार कर आई है बाकी भी वहीं पे गुजार ले। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। बेटी है इस घर की आसिम, तुम उस पे घर के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। घर की बेटियां आधी रात को घर वापस नहीं आती। नौमी तुम दरवाजा खोल के आते या मैं आऊं? मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। सलमान तुम बना किया? आसिम एबा तुम जाओ, बहुत देर हो गई है, मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ के आऊंगा। पता नहीं दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं, कहाँ रह गए सब? सलमान कहाँ थी तुम? चाचू मैं बात के साथ जैद। मैं बताता हूँ आपको, वो दरअसल मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, और तुम इतनी खुद से इतनी बेहया हो गई हो कि ना अपनी और ना खानदान की इज्जत की कोई परवाह नहीं रही तुम्हें। चाचू मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बात के साथ जैद आधी रात को घर आ रही हो, कह रही हो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। जानती हो ना हम ये रिश्ता खत्म करना चाहते थे, फिर भी तुम इस लड़के के साथ। आप सबको गलत फहमी हुई है, हम जैद को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, डाकुओं ने हमारा मोबाइल छीन लिया, इसकी वजह से हम आप सबको इन्फॉर्म नहीं कर सके। बस जैद, जैद को क्या हुआ है? नहीं नहीं आप फिक्र ना करें, वो बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ी सी चोट आई थी हॉस्पिटल में, कल तक घर आ जाए। ये सच बोल रहा है ना? जैद ठीक है, मामा ठीक है, बस सर पे थोड़ी चोट आई तो डॉक्टर्स ने कहा है कि आज रात हॉस्पिटल में ही रहेगा। इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें से किसी को बताने की जहमत तक नहीं की इमर। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि हमारे फोन छिन गए थे, जिसकी वजह से हम आपको इन्फॉर्म नहीं कर सके। बहुत चिकानी घड़ी है तुमने, बहुत खूब, फोन छिन गए बता नहीं सके। चाचू ये बात सच कह रहे हैं। आवाज नहीं छीन। तुम क्या समझते हो आधी रात को आओगी और हम तुम लोगों की बातों पे यकीन कर लेंगे? तुम जा सकती हो उस लड़के के साथ, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। आसिम तुम मेरी बेटी को उस घर से नहीं निकाल सकते। बिल्कुल कर सकता हूं मैं। जब इसको हमारी इज्जत की परवाह नहीं है तो मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं है। क्या हो गया आप सबको, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसे कैसे घर से निकाल सकते हैं इसको? मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मुझे बताओ किस घर में कौन रह सकता है और कौन नहीं रह सकता। तो कौन तुम? शोहर हूँ एमन का मैं। बड़ा ही चालाक लड़का है ये। वाह अच्छा बहाना बनाया है मन तुमने जैद की तबीयत का। एक बात बताओ कितना अरसा हुआ है सन भाई को गए हुए? क्या बोलेंगे हम दुनिया वालों, क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ आसिम इसने तो पूरी दुनिया में हमारी नाक ही कटवा दी है। चच्ची मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप ये सब तमाशा कर रही हैं।
मैं अपने शौहर और भाई के साथ थी। और आप मुझे बताएंगी बदचलन क्या होता है? भूल गई हैं क्या? जैसी आप खुद हैं आप वैसा ही सबको समझती हैं। आसिम, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। आसिम, मैं अब इसको यहां पर रहने भी नहीं दूंगा। मैं इसको अभी और इसी वक्त यहां से रुखसत करवा के ले जाता हूं। आंटी, मुझे सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना मजहब, ना समाज और ना ही आपका ये खानदान। कहा था ना कितना चला गए। रहने दो, इनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। इन्होंने कब मेरे हक में बोला? ये मेरी माँ नहीं है, इन सब की भाभी। चलो रुक जाओ अमन, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या हो गया आसिम भाई आपको? जुबैदा भाभी का नहीं तो एहसन भाई का ही ख्याल कर लें। अगर एहसन भाई जिंदा होते तो क्या ऐसे रुखसत करते अपनी बेटी को? जाने दें फुप्पो, मैं मामा की बेबसी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो रुको, के बाद अच्छा तुम अभी जाओ यहाँ से। कल अपनी वालदा को लेकर आना, मैं कल ही अमन को इज्जत के साथ रुखसत करूंगी। अभी आप जाओ। आसिम भाई प्लीज बस कर दें आप। ठीक है आंटी, मैं कल आऊंगा अम्मी के साथ। Assalamualaikum everyone, I'm your very own Danish Tamur. Watch my new serial Ishq Hai only on ARY Digital and subscribe to the YouTube channel also. Thank you.